हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके क्रिएटिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, उनके मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रिएटिन कितना है। तो देखिए, क्रिएटिन आपको 3 to 5 ग्राम पर डे लेना होता है और ये एक रिकमेंडेड डोज है, तो 3 to 5 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्रिएटिन कब लें। तो क्रिएटिन लेने का, देखिए, ये अल्टीमेटली आपके ATP के रूप में स्टोर होता है, तो क्रिएटिन लेने का कोई एक निश्चित समय नहीं है, आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। बट कुछ रिसर्च में पाया गया कि आफ्टर वर्कआउट अगर आप लेते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप आफ्टर वर्कआउट इसे ले लें। क्रिएटिन कैसे लें, इसे आप जूस में ले सकते हैं, ग्लूकोज के साथ ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। 250 ml जूस या फिर ग्लूकोज में आप ग्लूकोज के साथ ले लें या पानी के साथ आप ले लें। अगला है साइकिल करें। जी बिल्कुल, साइकिल ज़रूरी है और आपको नेचुरल स्टेट में आना भी ज़रूरी होता है। तो साइकिल आप ऐसे कर सकते हैं कि 6 to 8 weeks ऑन एंड 2 weeks ऑफ, और यही है रिकमेंडेड। तो सबसे बेस्ट है साइकिल ज़रूर करें। अगला है कि लोड करें। देखिए, लोडिंग मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लोडिंग जनरली उनके लिए है जो एडवांस एथलीट्स हैं, उनको ठीक है, वो करते हैं। बट नॉर्मल अगर आप फिजिक बनाना चाहते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जनरल आप बॉडी बिल्डिंग का अगर आपको शौक है, तो आपको लोडिंग फेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप मेंटेनेंस फेज रखिए 3 to 5 ग्राम पर डे, वो भी सेम और अच्छा रिजल्ट देता है। लोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली लोडिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। अगला सवाल है कटिंग में या बल्किंग में। देखिए, कटिंग और बल्किंग दोनों में आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी को पुश करता है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस देता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कटिंग में ले रहे हैं या बल्किंग में ले रहे हैं, दोनों में ही इक्वली बेनिफिशियल है। अगला सवाल है प्रोटीन के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट आप अपने जो प्रोटीन होता है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए। देखिए, 3 to 5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, मिनिमम 3 लीटर, जो कि होता है जनरली सर्दियों में, क्योंकि तब वो पानी आप ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, तो 3 लीटर तब, और 5 लीटर या प्लस आप जा सकते हैं गर्मियों में। तो 3 to 5 लीटर आपको इसका पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दियों में ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि सर्दियों में ले सकते हैं, तब भी आपको वाटर कंजप्शन रखना है। 3 लीटर आप कम से कम पानी पिए और सर्दियों में बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसे लेना चाहिए। देखिए, हर बंदा जो फिटनेस में है या एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करता है, वो क्रिएटिन ले सकता है, क्योंकि क्रिएटिन सिर्फ मसल मास इंक्रीज करने के लिए या एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होता है, ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो इसको आप ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई इशू है तो आप अवॉइड इसे करें। आप अगर किसी मेडिकेशन पे हैं तो अवॉइड करें, और आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें या आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो आपके कोच हैं, उनसे कंसल्ट करके लें। तो यही थे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।